सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर लेसन 5 क्लास 4. लिसन टू मी केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स. एज दे केम टू द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, जैसे ही वे लोग उस स्टेयर के बीच में आए, द सोल्जर सॉ डैट देयर वेयर ब्यूटीफुल ट्रीज. जब वे लोग नीचे उतरे तो वहां पर देखे कि बहुत सुंदर पेड़ है. दोज ट्रीज हैव हैड सिल्वर लीव्स, और उन पेड़ों पर सिल्वर की चांदी की पत्तियां है. ही ब्रोक ए स्मॉल ट्विग, उसने उस चांदी से बनी हुई टहनी को, एक छोटी सी टहनी को तोड़ा. एंड हिट इट अंडर हिज क्लॉक, और उसे वह अपने कपड़े में छुपा लिया. अ लिटिल फर्दर, कुछ ही दूरी के बाद, ही सॉ ट्रीज, उसने पेड़ों को देखा. विच हैड गोल्डन लीव्स, जिसकी सोने की पत्तियां थी. ही ब्रोक अ स्मॉल ट्विग, उसमें से भी, सोने की टहनियों में से भी, उसने एक छोटी सी पतली टहनी तोड़ी. एंड हिट इट अंडर हिज क्लॉक, वह अपने उस वस्त्र के नीचे छुपा लिया. अगेन अ लिटिल फर्दर, फिर कुछ ही दूरी के बाद, ही सॉ ट्रीज, वह पेड़ देखते हैं. विथ डायमंड लीव्स, जिसमें हीरे की पत्तियां है. ही ब्रोक अ स्मॉल ट्विग, वह एक पतली छोटी सी टहनी को तोड़ते हैं. एंड हिट अंडर हिज क्लॉक, और वह अपने वस्त्र के नीचे छुपा लेते हैं. आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद, ही सॉ ए वाइड रिवर, वह एक चौड़ी नदी को देखते हैं. देयर वेयर 7 बोट्स, उस नदी में 7 नावें हैं. विथ 7 प्रिंसेस, और 7 नाव पर 7 राजकुमार बैठे हैं. वन इन ईच बोट, और उस 7 नाव पर 7 राजकुमार के साथ एक एक करके उनकी राजकुमारियां बैठी. दे वेयर ऑल वेटिंग फॉर द प्रिंसेजेज, वे सारे राजकुमार इस राजकुमारियों का इंतजार कर रहे थे. ईच प्रिंसेज गॉट इन टू द बोट एंड सेल्ड अवे, और सभी लोग अपने नाव को खेना आरंभ किए, शुरू किए. द सोल्जर गॉट इन टू वन ऑफ द बोट, और सोल्जर भी, सैनिक भी, उसमें से एक नाव पर बैठा. नो बडी सॉ हिम, और किसी ने उसे नहीं देखा, क्योंकि वह छुपके बैठा था. बट द प्रिंस हु वाज रोइंग सेड, और बोट हैज बिकम हैवियर टू नाइट, लेकिन जो राजकुमार उस नाव को चला रहा था, उस वह कह रहा था कि आज मेरी नाव जो है वह रोज की अपेक्षा भारी लग रही है. आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये पता नहीं लग रहा है आज मेरी नाव क्यों भारी लग रही है. एज दे रीच्ड द अदर शोर, जैसे ही वे लोग दूसरे किनारे पहुंचे, द सोल्जर सॉ डैट देयर वाज अ ह्यूज पैलेस, तो सैनिक ने देखा कि उस नदी के उस किनारे एक बहुत बड़ा महल है, शाइनिंग विथ डिफरेंट कलर लाइट्स, और जिसमें अनेक प्रकार के रंगीन लाइट से सजा हुआ है. ही हियर्ड द म्यूजिक एज वेल, और वहां पर बहुत सुंदर म्यूजिक सुनाई दे रहे थे. दे ऑल वेंट इनसाइड द पैलेस, और वे सातों राजकुमारियां उस महल के अंदर गई. एंड बिगेन टू डांस, और नाचना शुरू की. दे डांस्ड द होल नाइट, वह पूरी रात्रि डांस की. अंटिल द प्रिंसेजेस शूज वेयर वॉर्न आउट, जब तक वह अपना इस कार्य को पूरा नहीं की. देन दे केम बैक एंड प्रिंसेजेस गॉट इन टू द बोट्स अगेन, और फिर राजकुमारियां वापस आई और उस नाव में बैठी. द प्रिंसेज रोड देम अक्रॉस द रिवर, और राजकुमारों ने राजकुमारियों को नाव से नदी को पार कराया. द सोल्जर सैट इन अनदर बोट दिस टाइम, और इस बार भी वह सैनिक दूसरी नाव में बैठा रहा. दे रीच्ड द शोर, वह किनारे पहुंचा. एंड द प्रिंसेज बेड गुड बाय टू देयर प्रिंसेज, और राजकुमारियां अपने सारे राजकुमारों को गुड बाय बोली. बट बिफोर द प्रिंसेजेज रीच देयर रूम, लेकिन राजकुमारियों को अपने कमरे में पहुंचने से पहले, द सोल्जर क्वाइटली वेंट टू हिज बेड, और
सैनिक जो था चुपके से उनके बेड पर गया, टुक आउट हिज क्लॉक, और वह उनके कपड़े को उठा लिया, हिड हिज ट्विग्स अंडर हिज पिलो, और वह टहनी जो तोड़ा था उन लोगों के तकिए के नीचे छुपा दिया, एंड प्रिटेंडेड टू फेल एस्लीप, और उसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। व्हेन द प्रिंसेसेस केम बैक, जब राजकुमारियां वापस आई, एंड सॉ दैट, और देखी, ही वाज स्टिल स्लीपिंग, वह शांति से सोया हुआ है, चुप गहरी नींद में सोया हुआ है, दे बिकेम हैप्पी, वे लोग खुश हुई। देन दे चेंज देयर ड्रेसेज, और उसके बाद से उन लोगों ने अपना ड्रेस चेंज किया, एंड वेंट टू बेड, और अपने बिस्तर पर चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द सोल्जर वेंट टू द किंग, वह सैनिक सैनिक राजा के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, एवरीथिंग, सारी बातों को बताया। ही ऑल्सो शोड हिम द ट्रीज पिग्स, और उन्होंने उस पेड़ों से टूटी हुई टहनियों को दिखाया। द किंग कॉल्ड हिज डॉटर्स एंड आस्ट देम इफ द सोल्जर वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, और सारी लड़कियों को बुलाने के बाद राजा ने पूछा कि क्या ये सैनिक बता रहा है वह बात सही है या गलत है। दे वेयर सो सरप्राइज्ड, वह इतनी सरप्राइज थी, इतनी आश्चर्य में थी, टू सी द ट्रीज ट्विग्स, उस पेड़ों की टहनियों को देखकर, दैट नोन ऑफ देम कुड सी ए वर्ड, और उन सातों लड़कियों में से कोई भी एक भी शब्द नहीं बोल पाई, क्योंकि उनकी असलियत का पता वह सैनिक लगा चुका था। द किंग वाज प्लीज्ड विथ द एक्शन ऑफ द सोल्जर्स, और इस सैनिक के एक्शन से वह राजा जो था बहुत खुश हुआ। ही आस्क्ड द सोल्जर टू चूज वन प्रिंसेस, तब उस राजा ने कहा सैनिक से कि आप किसी भी एक राजकुमारी को चुन सकते हैं। द सोल्जर चूज द एल्डेस्ट वन, तो सैनिक ने सबसे बड़ी राजकुमारी को चुना। दे वेयर मैरिड एंड लिव्ड हैप्पली देयर आफ्टर, और वो लड़की जो थी बड़ी वाली लड़की उस सैनिक के साथ शादी करके उसके साथ रहने लगी। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से, द प्रिंसेसेस डिड नॉट गो टू विजिट द पैलेस, उस महल को देखने के लिए नहीं गई, टू डांस, नाचने विथ द प्रिंसेस, राजकुमारों के साथ, एक क्रॉस द रिवर, नदी के पार, एनी मोर, किसी भी प्रकार से। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन का ट्रांसलेट इनटू हिंदी समाप्त हुआ। अगले दिन आप लोग भी इसे फिर से ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने का प्रयास करेंगे, उसे सीखेंगे। इसमें पेरेंट्स लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इन बच्चों को आप लोगों द्वारा थोड़ी सी गाइडलाइन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि फिलहाल स्कूल नहीं लग रहा है, इसलिए बच्चों को गाइड करना थोड़े पेरेंट्स की जिम्मेवारी बढ़ ही जाती है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।